चाहे वो टीएम हो, ईडीओ, फाइनेंस हो या एक्स वाई जेड कोई भी अफसर हो, उसकी डीपली उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करके अगर उनके मुताबिक उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही उसको चेंज कर दिया जाता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारे मुश्किल पेश हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज हमारे साथ तो उसकी डीपली उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करके अगर उनके मुताबिक उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही उसको चेंज कर दिया जाता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारे मुश्किल पेश हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज हमारे साथ था वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक मौजू रह गया है फाइनेंस का, क्योंकि वो सबके लिए अहम है और उसमें काफी मसाइल है कराची में। उस हवाले से मैं कुछ इजहार ख्याल करना चाहूंगा। असल में एसएलजीओ का जो रूह है वो ये है कि हर ताल्लुका, तहसील, टाउन, ये जो मुकामी हुकूमतों का निजाम है, ये अपने मुकामी तौर पे अपने वसाइल खुद पैदा करें, खुद जनरेट करें और अपने पैरों पर खड़े हों बिलाकर। ये इसकी रूह है इस निजाम की। लेकिन ये जब ही मुकम्मल होगा जब उसको एसएलजीओ के मुताबिक चीजें जो बात आई डेवल्यूशन भी हो और वसाइल भी जमा करने के लिए उनको इख्तियार हों। इसमें सबसे अहम चीज जो है, मतलब जाहिर है जो 18 टाउन में हमारे मोर देन 50% टाउन ऐसे हैं जो गरीब आबादियों पर मुश्तमिल है और जिनके वसाइल बहुत महदूद हैं, यानी 80 गज 120 गज के वहां 80% 90% मकानात हैं। मोर देन 50% टाउन है हमारे। ख्वाहिश पैदा होती है कि मालूमात जो है कम अज कम उसमें भरपूर हो और जो भी दायरा तय होना है उसमें कम अज कम मशवरा जो है वो शामिल हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझे कोई मशवरा दें। ये तो आपने मसले मसाइल बयान किए, लेकिन आपका क्या मशवरा है कि इस सूरत हाल में क्या किया जाए? अपनी तरफ से तो मैंने मेरी नीयत में कोई फर्क नहीं है और मेरी मेहनत में कोई फर्क नहीं है। हमारी समझ में चूंकि हमने बहुत वक्त लगाया है मुकामी सतह पर और अब साबित हो गया कि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो दरहकीकत पाकिस्तान की सियासी सोच रखने वाले लोग मुकामी सतह पर वो ही असरदार है और बाकी ये जिस ऊपर ग्राफ चढ़ाया हुआ है कि जो कि बेचा जा रहा है कि ग्राफ इस तरह इस तरह इस तरह। सो मैं समझता हूँ कि आज तक ये हासिल नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी सवाल कर बैठे हैं कि हम अपने मामला खुद से निपटा सकते हैं। हमें कोई ऊपर आदमी जो बैठा हुआ चाहिए कि वो डंडा लेके हमें चलाए जिस तरह के बरतानवी राज का हम सदर पाकिस्तान के लिए भी गवाही देंगे आपके लिए भी करेंगे और वो भी इसी तरह की शील्ड होगी। सर चाहेंगे कि आप सदर पाकिस्तान को बताएं किसके दस्तखत है? ये तो लंबी दास्तान है, खुद भी तो दास्तान है। शाही साहब के पीछे चले हैं सर, एक मिनट आप लोग सर इधर देखिएगा। सर इधर एक मिनट सर, शाही साहब के पीछे चले हैं सर, एक मिनट आप लोग सर इधर देखिएगा। दो चार लोग करो हम लोग
निजाम के मुखालिफ जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे इक्तदार जाए, डेवलपमेंट जाए, मैनेजिंग जाए, तो उन अनासर ने मिलकर इन दो सालों में भी रुकावट जी जी